कोरोना के खिलाफ देश में जारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मरीजों के आंकड़ों में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के बीच कर्नाटक में कोरोना बम फूटा है। दरअसल यहां के SDM मेडिकल कॉलेज में 66 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इतने सारे छात्रों का कोरोना का शिकार होना कहीं न कहीं चिंताजनक है। वहीं प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए कॉलेज बिल्डिंग के 2 हॉस्टल सील कर दिए हैं। इस कॉलेज में कुल 400 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। बताया गया है कि जैसे ही कुछ छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, मेडिकल कॉलेज द्वारा सभी का कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया गया। अभी तक 300 छात्रों का टेस्ट हो चुका है और इसमें 66 संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले भी कई स्कूल और कॉलेज में कोरोना बम फटा है। पिछले दिनों राजस्थान के उदयपुर में एक स्कूल में 11 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तेलंगाना में भी एक स्कूल में 28 छात्राएं कोरोना का शिकार हो गई थी। उधर दूसरे कई राज्यों के स्कूलों से भी ऐसी खबरें देखने सुनने को मिल रही हैं। उड़ीसा में भी बच्चों के बीच कोरोना का प्रसार तेज होता दिख रहा है। वहां पर 53 स्कूली छात्र और 22 मेडिकल कॉलेज के छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन बच्चों और छात्रों के बीच इस तरह से कोरोना का तेजी से फैलना अच्छे संकेत नहीं है।